टीना बहुत अच्छी एक्टर थी, पर फील इंटरेस्ट में नहीं होने से वजह से उसे कोई काम आसानी से नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे ऐसे कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरे एक्टिंग का करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। टीना अपने घर पर सोफे से बैठे बैठे सोच रही थी, तब भी कोई उसके घर पे डोरबेल बजाती है। अरे इतनी रात में कौन आया है? टीना दरवाजा खुलती है और देखती है बाहर रवि खड़ा है। रवि डायरेक्टर था और टीना का अच्छा का दोस्त भी था। अरे अरे रवि, क्या हुआ? सब तो ठीक है? इतनी रात में तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? पहले अंदर आने को टीना, फिर आराम से तुम्हें सब बताता अच्छा हूँ। हाँ, आओ अंदर आओ। टीना रोबी सोफे पर बैठ जाती है और बात करने लग जाती है। टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास खुशखबरी है। क्या? और वो क्या रोबी? हाँ टीना, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमको पहले फिल्म में काम दिलाया था, तब तुम्हारे लिए दूसरी फिल्म ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती है इतनी अच्छी हीरोइन के खो दे। टीना खुशी की मारी फूली नहीं समाती। क्या सच में रवि, तुम मेरे लिए कोई फिल्म मेकर ऑफर लेकर आए हो? तुम्हें पता है मैं यही सोच रही थी, अगर मुझे जल्दी कोई काम नहीं मिलेगा तो मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला टीना, पर बस एक ही परेशानी की बात है। परेशानी की बात? वो क्या? देखो टीना, तुमने न्यूज म्यूज भूतिया फिल्म के बारे में बहुत सुना है ना, भूत का बदला। क्या? हाँ, फिल्म का खबर तो हर तरफ चाहिए। इसमें मशहूर एक्ट्रेस से काम कर रही थी, पर पिछले महीने जिस घर पे शूटिंग हो रही थी वहाँ पर फिल्म शूट करते करते मौत हो गया ना। हाँ टीना, सिया की मौत अच्छा थी, वो घर भूतरा नहीं था, वो सिर्फ पुराना टूटा मोटा घर था। पर सिया की मौत के बाद कोई भी एक्टर ये फिल्म के लेना भी नहीं चाहती, इसलिए इसलिए मैं चाहती कि इस फिल्म में तुम काम करो। क्या वो फिल्म है? मैं समझ रहा हूँ, बाकी एक्टर क्यों मना कर रहा है। रवि तुम चिंता मत करो, मैं जरूर काम करूंगी फिल्म में। हाँ टीना, तुम अभी सोचो, ये फिल्म हर तरफ चर्चे में है, अगर तुम हिम्मत करके इसमें काम कर लिया और फिल्म शूट करने के बाद तुम कितने मशहूर हो जाएगी। हाँ ठीक है रवि, मैं तैयार हूँ। रवि टीना घर से चला जाता है और ये सब सुनकर टीना बहुत खुश होती है। ओहो, आखिरकार मुझे एक काम मिला गया। मैं कितना परेशान थी, भला ही थोड़ा मुश्किल है तो उससे क्या। चलो जल्दी सो जाता कल हूँ, अगले पर बहुत काम पर जो लगना है। दिन टीना शूटिंग शुरू होने से पहले कुछ देर के बाद घर देखने जाती है जहाँ पर भूतिया फिल्म शूटिंग होने वाली है। अभी तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। टीना बाहर खड़ी होकर सोच रही थी। ओ यही है वो घर, सच में लगता है यह काफी डरावना। अभी तक कोई आया नहीं, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, अब क्या करूँ? तभी टीना का नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है और वो दरवाजा खुला हुआ था। अरे दरवाजा तो खुला है। चलो अच्छा है, जब तक बाकी लोग आती है मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाकर पूरा घर देखती टीना दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चल जाती है। अंदर हर तरफ टूटा मोटा सामान पड़ रहा था। टीना सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, तभी इसको नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है और फिर उसको होश उड़ जाते हैं। टीना देख रही थी सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ी भयंकर चिड़ियल खड़ी थी, जिस छोटी चिड़ियल को गर्दन पकड़ रहा था। वो भयंकर चिड़ियल अपने डरावनी आवाज से टीना से बोलती है। चले जाओ यहाँ से। इतने कहकर भयंकर चिड़ियल छोटे चिड़ियल के सिरे से नीचे फेंक देती है। ऐसे करने छोटे चिड़ियल टीना के पैर पास आकर गिरती है। हे अल्लाह, दो दो चुड़ैल, एक घर में तो सच में भूत है। बचाओ, भागो। पर टीना पहले भाग पाती, उससे पहले जमीन पर गिरी हुई छोटी चुड़ैल टीना पैर पकड़ कर उसे रोक देती है। रुक जाओ प्लीज, मुझे मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर डर के मारे टीना उसके भाग कर घर से बाहर चला जाती है। तब तक फिल्म शूटिंग के लिए रवि और बाकी लोग भी आ चुके हैं। क्या हुआ टीना, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात हुई है, अंदर कोई मखली व छुपकली दिख रही है क्या? नहीं नहीं रवि, अंदर दो दो चिड़ल हैं, हम यह काम नहीं कर सकते, वो हम सबको मार देंगे। ये सुनकर रवि जल्दी टीना को खींचकर कोने में ले जाती है। अरे टीना, तुम क्या पागल हो गई हो, ये कैसी बातें कर रहा हो, किसी ने सुन लेगी तो सच में ये फिल्म बंद हो जाएगी।
पहले काफी कुछ हो चुका है, ये सब बकवास है और सिर्फ तुम्हारा महम है। अगर तुम्हें काम करना है पर शूटिंग यहीं पर होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो अभी चले जाओ। टीना कुछ सोचती है, फिर रवि के कहती है, ठीक है, सच में मेरा मेहम होगा, पर मैं अंदर अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है, पर हम सबको साथ शूटिंग के लिए चलेगी ना? हाँ ठीक है चलो। टीना डरते डरते अंदर चल जाती है, सबके होने से वजह से उसको कम डर लग रहा था और वो सब कुछ भूल जाती है। शूटिंग में पूरा दिन चल जाता है और उसको पता नहीं कब रात हो गई। तब भी रोनी टीना के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो टीना, रात काफी हो गई है और ये घर शहर से भी दूर है। सबने फैसला किया है आज रात हम यहीं रुकेंगे। क्या रूबी, मैंने कहा था ना इस जगह से हिल नहीं लग रहा है, मैं यह रात नहीं गुजर सकती, समझी तुम? जब कोई रास्ता ही नहीं बचे तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। टीना पूजा के साथ उस कमरे चली जाती और वो कमरा सीढ़ियों से ठीक ऊपर ही था। टीना और पूजा उस कमरे पर छत पर बैठ रही थी। जैसी पूजा, तुम भूतों और आत्मा को विश्वास करती हो? तुम्हारा क्या मानना है, भूत और चुड़ैल होती है नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो यह पर पूरा यकीन है। मेरा दादी अक्सर मुझे कहानियां सुना कर रही थी भूतों और चुड़ैल का। वो गांव में ना एक चुड़ैल थी, पर गांव वालों ने उसे मार दिया था। मार दिया? भला वो कैसे? अक्सर ये भूत और चुड़ैल होती है ना, दादी बताती है इसकी ताकत एक खास चीज में होती है। हमारी गांव में जो चुड़ैल थी उसकी सारी ताकत उसके पेड़ में थी, वो सब ने पेड़ ही जला दिया। ओह अच्छा, पर ऐसे मैंने बहुत कहानी सुनी है। हाँ सिर्फ ये सब सब बातें हैं, मैंने कभी देखा नहीं उस चुड़ैल को मेरी आंखों से। अच्छा, पर मैंने तो देखा क्या है। क्या मतलब है? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी, चलो अभी सो जाती है। टीना और पूजा सो जाती है, पर तब भी आधी रात को आया का आवाज से वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है उसके कमरे में वही छोटी चुड़ैल खड़ी थी। हे अल्लाह, तुम फिर ये आ गई। तुम मुझे मारना चाहती है ना? अगर मैंने तुमने क्या बिगाड़ा है, क्यों मारना चाहती हो मुझे? टीना चुड़ैल से डर रही थी, पर वो छोटी चुड़ैल टीना से कहती है, धीरे बोलो, प्राण उसे सुन लेगी तो अभी क्या, अभी आकर तुमको मार देगी। ओ कौन है बड़ी चुड़ैल? वो भयंकर चुड़ैल जिसने तुमको सीढ़ी से नीचे फेंक दिया था? हाँ वही, मैं और कोई नहीं, स्वयं हूँ, जो ये फिल्म में पहले काम कर रही थी। जब मैं शूटिंग के लिए आई तब ये चुड़ैल दिखी। मैंने सबको बताना कोशिश किया है, हम लोग यहाँ पर काम नहीं करना है चाहिए, यह चुड़ैल है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुना है। जिसने, इस लोग भी मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ एक रात में उस चुड़ैल ने मुझे मार दिया। इतना ही नहीं, मेरी आत्मा को उस भयंकर चुड़ैल ने घर में कैद कर दिया। वो हंस रोज मुझे ऐसी मारती पीटती रहती है और मेरी आत्मा को उसने बंदी बनाकर रखा है। सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ जैसे कि मैं ऐसे अभी के अभी भाग सकती हूँ? नहीं प्लीज, मुझे मदद करो, सिर्फ तुम ही मुझे मदद कर सकती हो। और मुझे पता है इस फिल्म की तुम्हें कितनी जरूरत है। अगर उस चुड़ैल के हम खत्म कर देंगे तो तुम आराम से शूटिंग कर पाएंगे। हाँ हाँ तो सच, पर मुझे करना क्या होगा? उस भयंकर चुड़ैल का आत्मा उस कमरे में रखी हुई एक कुर्सी में कैद है। उससे कुर्सी पर बैठकर उसकी मौत हुई थी। तुम जाकर बस उस कुर्सी को तोड़ दो। हाँ उस भयंकर चुड़ैल मुझे ये सब खुशी खुशी करने देगी, है ना? नहीं, पर अभी इस कमरे पर कुर्सी पर बैठकर वो सो रही है। मैं उसको ध्यान भटकाऊंगी, तब तक तुम उसको कुर्सी को तोड़ देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मत हिम्मत रखो, एक मौका है जिसने तुमको फायदा उठाना है। इतना कहकर शिया के चुड़ैल उस कमरे में चले जाती है जहाँ पर भयंकर चुड़ैल अपने कुर्सी पर सो रही थी। शिया हिम्मत कर कर उस भयंकर चुड़ैल के पास जाती है और जोर से उसके बाल नोचती है। कोई तो पागल तो नहीं हो गई? तुमने मेरी बाल कैसे पकड़े? तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी तुझे बताता हूँ। पर इससे पहले भयंकर चुड़ैल शिया के साथ कुछ करती, श्रेया वहां से भाग जाती है और दौड़कर सीढ़ियों के नीचे चला जाती है। भयंकर चुड़ैल भी शिया के पीछे पीछे भागने लगती है। यही सही मौका है, मुझे अभी जाकर वो कुर्सी को तोड़ देना चाहिए। टीना मौका देखकर उस कमरे में जल्दी जाती है, भयंकर चुड़ैल से कुर्सी को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ती है। भयंकर चुड़ैल इसके बाद आग से जलकर मरने लगती है। थोड़ी देर में वो भयंकर चुड़ैल जलकर गायब हो जाती है, उसके साथ साथ शिया की भी आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन टीना खुशी खुशी फिल्म में शूटिंग करने लगती है और सब कुछ अच्छा हुआ।